यह जी निसान डीजल, अच्छी साउंड है, साफ सुथरा इंजन है, साफ सुथरी ट्रेन है माशाल्लाह। ये दूसरी क्रेन की बॉकेट में बैठ के आदमी जा रहे हैं ऊपर, और ये बेल्ट लगाएंगे। हाल 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मिट्सुबिशी और निसान डीजल के दरमियान जो फ़र्क है वो बताता। काफ़ी लंबाई है इसकी, और ये हमने अच्छा किया है कि इसको चार बेल्टें लगाई हुई हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम नाज़रीन, वेलकम इन कुवैती व्लॉग्स चैनल। मैं हूं अबू उमर और आप देख रहे हैं कुवैती व्लॉग्स। आज का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी। ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इसके ऊपर ब्लैक कलर का ये बोर्ड लगा हुआ है, ये उतारना है। और दो क्रेनें आई हैं, एक ये है 20 टन काटो मिट्सुबिशी, और दूसरी है काटो 20 टन निसान डीजल। वो क्रेन लगा ली है और ये क्रेन हम लगा रहे हैं इस बोर्ड को उतारने के लिए। ये काफ़ी लंबा है, इस वजह से दो क्रेनें मंगवाई है। दूसरी क्रेन भी मैं आपको दिखाता हूँ। यह दूसरी जी निसान डीजल 20 टन काटो। और ये इन्होंने इस साइड पे लगाई है, इसका थोड़ा अंदर से भी मैं व्यू दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये निसान का अंदर से डैशबोर्ड और गियर लीवर, और इसका पीडीओ का बटन ये लगा हुआ है। मिट्सुबिशी का डैशबोर्ड थोड़ा मुख्तलिफ होता है, और गियर लीवर और सीट वगैरह अगला कैबन। मेरा दिल था आज आपको मैं मिट्सुबिशी और निसान डीजल के दरमियान जो फ़र्क है वो बताता, लेकिन आज जो है वो पूरी डिटेल से वीडियो नहीं बन पाएगी क्योंकि दूसरा काम भी करना है। तो एक वीडियो मैं स्पेशल बनाऊँगा जिसमें मैं आपको मिट्सुबिशी और निसान में क्या फ़र्क है वो भी दिखाऊँगा, उसकी जो भी डिटेल है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ये भी अच्छी क्रेन है माशाल्लाह। ये मसरी है मोहम्मद, हाल 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 अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसका अंदर से व्यू है माशाल्लाह, काफ़ी साफ़ सुथरी क्रेन है। इसके लीवर के ऊपर इसने कवर वगैरह चढ़ाए हुए हैं, और कंप्यूटर जो है वो इसका नीचे है। ये 90 मॉडल है, और काफ़ी साफ़ सुथरी है माशाल्लाह। ये कुछ महीने पहले इसने ली है। अभी हम आपको थोड़ी सी काम की डिटेल भी दिखाते हैं। ये हमने भी लगा लिया जी क्रेन, हम भी काम शुरू करने लगे। अल्लाहु अकबर, सुबह सुबह जब धूप निकल दी है, ग्रीन पौधों के ऊपर पड़ दिया तो कितना प्यारा व्यू दिखाई देता है। ये देखें, ये 30 नंबर रोड है कुवैत का, उसके साथ हम काम कर रहे हैं, और ग्रेन हमने लगा के बूम निकाल रहे हैं। ये दूसरी ग्रेन की बॉकेट में बैठ के आदमी जा रहे हैं ऊपर, और ये बेल्ट लगाएंगे। ये जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जितने भी वो पेच वगैरह लगे हैं, बोल्ट वगैरह लगे हैं, वो सारे खोल दिए हैं। वो बॉकेट के अंदर बैठ के आदमी ने खोल दिए, और अभी ये क्रेन उनको छत के ऊपर उतारेगी, और वो इस बोर्ड को बेल्टें लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो ऊपर वाले नट बोल्ट रहते हैं वो छत के ऊपर खड़े हो गई मशीन से वो खोल लेंगे, वो जो नट बोल्ट खोलने वाली मशीन होती है उसके साथ। और फिर दोनों क्रेनें जो हैं वो इस बोर्ड को पकड़ के उठा के इधर नीचे ले आएंगी। ये शायद उन्होंने कोई बिल्डिंग चेंज करनी है या कोई बोर्ड चेंज करना है, ये हमें पता नहीं है।
यह जी निसान डीजल, अच्छी साउंड है, साफ सुथरा इंजन है, साफ सुथरी ग्रेन है माशाल्लाह। और मसरी जो है मोहम्मद वो इसको अपग्रेड कर रहे हैं। ये एक साइड पे बेल्ट लगा दी है और अभी दूसरी तरफ बेल्ट लगाएंगे। ये हमने बेल्टें लगा दी है जी दोनों तरफ से और अभी हम उठाने लगे हैं इसको। इसके ऊपर जो थोड़ा इसको वायर टाइट करेंगे तो जो नट बोल्ट ऊपर रह गया है वो खोल लेगा। काफ़ी लंबाई है इसकी और ये हमने अच्छा किया है कि इसको चार बेल्टें लगाई हुई हैं और दो क्रेनों ने इसको पकड़ा हुआ है। ये देखें सेंटर से ये कैसे हो रहा है। ये सेंटर में से हो गया जी, दो हैं भी, ये दो ही पीस जोड़ लगा हुआ था, बहुत ही नाजुक सा जो खुल गया है तो ये बेस्ट हो गया है। एक पीस को हम इस दीवार के साथ लगा देंगे और दूसरा उधर ही रहेगा। ये एक पीस रख दिया इधर और अभी ये सारा उन्होंने वैसे भी तोड़ना है, खोलना है। इसके पीछे जितनी भी एंगल्स वगैरह लगी हुई हैं, शीटें वगैरह लगी हुई हैं, इनको इलादा इलादा करके फिर वो दूसरी जगह पे ले जाएंगे। और आगे कार थोड़ी बेल्ट ये इधर रखा है तो वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से उठा के उधर नीचे लिटा दें ताकि वो खोलने में आसानी हो जाए। बस ठीक है, बेल्टें हो रही हैं स्लिप
और इसलिए हम इसको थोड़ा सा उठा के इधर साइड पर रख देते हैं। दूसरी क्रेन अभी जो एंगल्स के टुकड़े वगैरह ऊपर लगे हुए हैं उनको खुलवा रही है। बाकड़ के अंदर आदमी बैठ के वो जो एंगल्स के टुकड़े लगे हुए हैं उनको खोल रहा है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।